हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत और आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्नोएक्सी में। तो कैपकट के इस पार्ट टू की इस वीडियो में हम समझेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे कैमरा ट्रैकिंग के ऑप्शन का उपयोग करना, सेकंड में हम सीखेंगे वॉल्यूम को घटाना बढ़ाना, उसके बाद हम सीखेंगे वीडियो में क्रॉप रोटेट मिरर ऑप्शन का उपयोग करना, जस्ट उसके बाद हम सीखेंगे वीडियो में बैकग्राउंड रिमूव करना, क्रोमा की का उपयोग करना। सो वीडियो में आपको एंड तक बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप सभी ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे। सो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख सकते हो हम मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं और यहाँ से हम कैपकट को ओपन करते हैं और यहाँ से उसी वाले प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे जिसमें हमने पहले वीडियो एडिटिंग सीखी थी। अगर आपने पार्ट वन की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन लिंक है उस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो कुछ इस टाइप से हमने यहाँ पे इस वाले पेज पे आ जाना है और यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लस कर लेना है एक रील्स वाली वीडियो, जैसे कि इन मोहतरमा की वीडियो को हम यहाँ पे प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से वीडियो हमने प्लस की, अभी ये काफ़ी छोटा है तो इस पर टाइप करेंगे कुछ इस टाइप से, इसको यहाँ से हम जूम कर लेंगे कुछ इतना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके पहले वाली वीडियो में हमने डिलीट तक के ऑप्शन को सीखा था, अब हम क्या करें यहाँ पे कैमरा ट्रैकिंग के ऑप्शन को सीखेंगे। तो इस पर टाइप करते हैं और यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको फेस का मिल जाता है, सेकंड में आपको मिल जाता है बॉडी, इसके बाद हैंड। तो सबसे पहले हम फेस पे इस टाइप से टाइप करके स्टार्ट करके देख लेंगे ट्रैकिंग के ऑप्शन को। तो टाइमर चलेगा, ये 100 तक चलेगा, इसको हम फुल हो जाने देते हैं। कुछ इस टाइप से आप देखेंगे की फ्रेम का उपयोग ऑटोमेटिक हो जाता है इसमें, कि की फ्रेम का उपयोग हो जाता है। की फ्रेम का उपयोग इसके नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे की फ्रेम का किस टाइप से उपयोग होता है। तो इस वीडियो हम यही देखेंगे, यहाँ से आपको ये चेकआउट का ऑप्शन टिक दिख रहा है, इस पर टाइप करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि ये क्या होता है, कि कैमरा ट्रैकिंग ऑप्शन का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि प्रॉपरली ये आपके फेस पर फोकस करेगा। ठीक है, तो फेस पर प्रॉपरली फोकस करता है, इसलिए हम यहाँ पर इस वाले फीचर को समझ लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से एक बार अंडू करते हैं, आप फिर से कैमरा ट्रैकिंग के ऑप्शन पे टाइप करते हैं इस टाइप से, और यहाँ से आपको सेकंड में बॉडी का दिख जाएगा, इस पर स्टार्ट करके आप देख लेंगे। कुछ इस टाइप से टाइमर चलेगा, 100 तक हो जाने देना है। अभी आप देख पा रहे हो ज़्यादातर ये फोकस आपके जो है बॉडी पे करेगा, की फ्रेम का ऑटोमेटिक उपयोग किया जाता है। ठीक है, की फ्रेम का उपयोग हम सीखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो आप यहाँ से चेक कर देंगे, हम इस फीचर को समझ चुके हैं, यहाँ से हम इसको फिर से अंडू करते हैं। और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन और देखने को मिलता है कैमरा ट्रैकिंग, ये फेस का हैंड का, तो हैंड वाला आप ऑटोमेटिक कर लीजिए। जैसे क्या होता है कभी कभी हम कुछ कोई चीज़ें हैंड में लेकर वीडियो बनाते हैं, तो इसका उपयोग उसमें होता है कि ज़्यादातर फोकस आपके हैंड पे करेगा। ठीक है, सो आप इसको अप्लाई करके देख लीजिए, हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन को समझते हैं। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन देखने को मिल जाता है वॉल्यूम का, सो वॉल्यूम आप यहाँ से घटाया बढ़ा सकते हो। ठीक है, वॉल्यूम को यहाँ से घटा ले सकते हो, यहाँ से बढ़ा सकते हो, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन देखने को मिलता है एडिट का, एडिट का ऑप्शन में आपको क्या करते हैं, तीन ऑप्शन देखने को मिलता है, एक रोटेट का, दूसरा मिरर का, इसके बाद क्रॉप का। आप रोटेट यहाँ से कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ से मिरर का ऑप्शन उपयोग कर सकते हो। मिरर का होता है कि इस साइड से इस साइड में आपको देखने को मिल जाता है, कुछ स्टाइल से मिरर का उपयोग हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हो, जिस भी रेसिंग आप वीडियो बना रहे हो यहाँ से क्रॉपिंग आप यहाँ पर कर दोगे। ठीक है, तो आप यहाँ से क्रॉपिंग कर सकते हो, इस टाइप से देख रहे हैं, तो आप यहाँ पर क्रॉपिंग कर सकते हो, उसके बाद यहाँ से टिक कर सकते हो। ठीक है, अभी हम यहाँ से बैक होते हैं, इस वाले ऑप्शन को समझ चुके हैं, आशा है आप उस जस्ट इसके बाद हम बैकग्राउंड को रिमूव करना सीखेंगे। जैसे इन मैडम की वीडियोस है, मैं इनके वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ, तो रिमूव करने के लिए आपके के लिए मैं एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ से प्लस करता हूँ एक पिक, ताकि अच्छी तरीके से आप समझ पाओ इस वाले ऑप्शन को। कुछ इस टाइप से पिक को प्लस करूँगा, उसके बाद पिक को क्या करना है, इस टाइप से टाइप करना है, उसके बाद जूम करके इस टाइप से एडजस्ट कर लेना, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। ठीक है, सो आपको इन मैडम की वीडियो को क्या करना है, इस टाइप से टाइप करना है, इनकी वीडियो को लेयर्स में कन्वर्ट कर देना। जैसा कि आप स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे आपको ओवरले का ऑप्शन देखने को मिलेगा,
तो इस पर टाइप करेंगे तो ये लेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कुछ इस टाइप से लेयर्स में इनकी वीडियो कन्वर्ट हो गई। तो ऊपर वाली वीडियो का लेंथ काफ़ी छोटा है पिक का, तो पिक को हम इस टाइप से ट्रैक करेंगे, लेंथ को कुछ इस टाइप से बढ़ा लेंगे, ठीक है, मैडम की वीडियो तक कुछ इतना तक हम कर लेंगे। ओके, तो आपको क्या करना है, अब मैडम वाली वीडियो का बैकग्राउंड आपको रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए इन मैडम वाली वीडियो पे टाइप करेंगे कुछ इस टाइप से, इसके बाद स्क्रॉल करेंगे। अब आपको कटआउट वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड पे टाइप करना है। तो बैकग्राउंड अच्छी तरीके से रिमूव हो गया, देखिए कुछ इस टाइप से बैकग्राउंड रिमूव हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन होगा कटआउट स्ट्रोक का, तो स्ट्रोक यहाँ से आप दे सकते हो वीडियो में, जैसे कि मैं कोई भी स्ट्रोक दे सकते हैं, ये वाला देता हूँ, कुछ इस टाइप से स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है। तो ये फीचर्स इस पर अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ पे समझ चुका हूँ, उसके बाद यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। आप लगाना है तो आप लगा के एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको यहाँ से कैंसिल करता हूँ, यहाँ से बैक होता हूँ। अब आप प्लस करके देखिए कुछ इस टाइप से इनका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ये कैपकट का काफ़ी अच्छा फीचर्स है, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। कुछ इस टाइप से आप बैकग्राउंड को रिमूव कर चुके हैं। तो अब क्या करता हूँ, मैं इस वाली वीडियो को इस टाइप से टाइप करके थोड़ा सा लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब आपको क्रोमा की के ऑप्शन को समझाते हैं, समझते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आ जाना है बैक एक बारी। अब यहाँ से एक ओवरले और एडजस्ट करना है आपको, तो आपको यहाँ से नीचे से एक बारी बैक होना है। अब आपको ऐड ओवरले करना है और यहाँ से एक वीडियो और हम प्लस करते हैं, यहाँ से ऐड करते हैं, ठीक है। सो आपको कुछ इस टाइप से ये वीडियो हम समझते हैं क्रोमा की का। सो आप ये डॉग वाली वीडियो देख रहे होंगे, तो इसके बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ग्रीन शो हो रहा है, इसके बैकग्राउंड में ग्रीन कलर शो हो रहा है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रिमूव करना है। तो ये काम क्रोमा की से हम कर सकते हैं, ठीक है। एक कलर हो पीछे का बैकग्राउंड, चाहे कोई भी कलर हो सकता है, ठीक है, तो आप रिमूव कर सकते हो। तो हम यहाँ पे इसको स्क्रॉल करते हैं और कटआउट वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ से आपको क्रोमा की के ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ से आपको पिक कलर करने का ऑप्शन देते हैं, आप कौन सा कलर यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे पीछे वाले कलर्स को, ग्रीन को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं इस टाइप से कलर को चूज करूँगा। इसके बाद आपको इंडस्ट्री का ऑप्शन दिखता है, तो इंडस्ट्री पर टैप करना है आपको और इसको बढ़ा लेना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना वरना ये पूरा रिमूव कर देगा। आपको करना है कम से कम चार या पाँच पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अभी आप देख रहे हो इसकी कान जो है थोड़ा थोड़ा कट जा रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इसको भी एडजस्ट करने के लिए शेडो का ऑप्शन भी टैप करना है और यहाँ से शेडो को बढ़ा देना है, तो ऑटोमेटिक इस टाइप से भर जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ये पीछे वाला ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका है। एक कलर का हो, कोई भी कलर हो, आप रिमूव कर सकते हो, चाहे रेड हो, चाहे येलो हो, या ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, ब्लू भी हो सकता है, आप रिमूव कर सकते हो। कुछ इस टाइप से देख रहे हो बैकग्राउंड रिमूव हो गई। सो आप क्रोमा की के ऑप्शन को समझ चुके होंगे और बैकग्राउंड को रिमूव करना अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी जरूर करिए आप वीडियो कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।